नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। हमारा ये उसी में का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेन्यू प्लानिंग, यानी हमारा फूड सर्विस ख़त्म हो चुका है। इसमें है पर्सपेक्टिव ऑफ फूड सर्विस मेन्यू प्लानिंग फूड कॉस्ट एनालिसिस, जिसमें ये हम पढ़ चुके हैं फूड सर्विस, लेकिन अब ये देख लेते हैं मेन्यू प्लानिंग क्या है। इसमें पहले आ जाता है एला कार्टे मेन्यू। इसमें क्या होता है एला कार्ट मेनू में, इसका मतलब होता है चॉइस ऑफ मेनू। मेनू में जो पहला मेनू होता है एला कार्ट मेनू, इसका मतलब होता है चॉइस ऑफ मेनू। मेनू में रेट फिक्स होता है और गेस्ट अपनी चॉइस को मेनू से अपने डिश का ऑर्डर करते हैं। इसमें वेटर गेस्ट के टेबल से ऑर्डर लेता है और गेस्ट के सामने अच्छे से परोसा जाता है। इस मेनू में ब्रेकफास्ट मेनू, लंच मेनू, डिनर एंड रूम सर्विस मेनू आते हैं। इस मेनू में डिश के सामने रेट तथा इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं। ये वेटर सर्विस होती है। तो ये हमारा हो जाता है एला कार्टे मेनू। दूसरा आ जाता है टीडीएच। टीडीएच का मतलब क्या होता है, टेबल द हॉट। इसमें प्राइस फिक्स होता है और लिमिटेड डिशेज होती हैं। इसमें सिर्फ मेन्यू को चूज करता है, जो सिर्फ मेन्यू है वो सिर्फ चूज करता है। अब गेस्ट इस मेन्यू से क्या लेना पसंद करता है ये गेस्ट पर है। गेस्ट चाहे तो सारे आइटम भी ले सकता है या अपनी पसंद का भी ले सकता है। ये मेन्यू थाली सिस्टम जैसा ही होता है। तीसरा आ जाता है हमारा बफेट मेन्यू। इस मेन्यू में भी सिर्फ चॉइस होती है, जैसे सूप, एक दो सूप हो गए, डिजर्ट हो गए, कई तरह के और भी चीज़ें हैं जिसमें रेट फिक्स होगा प्लस जीएसटी ऐड रहेगी। यहाँ गेस्ट को भोजन खुद लेना होता है। ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में होता है। तो ये हो गया। अब आता है चौथा, हमारा है साइक्लिक मेनू। इस मेनू में एक वीक, दो वीक या वन मंथ, टू मंथ के लिए इस तरह से मेनू डिसाइड होते हैं, जैसे हॉस्टल का मेनू। ठीक है, जैसे एक मंथ के लिए मेनू बनाया गया, नेक्स्ट मंथ उसे फिर से रिपीट किया जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो हमारा है वो हॉस्टल जैसा मेनू होता है, वो उसे बोलते हैं साइक्लिक मेनू। फिर आ जाता है डू जॉर मेनू। डू जॉर मेनू कौन से होते हैं, ये एक दिन का मेनू होता है जिसमें स्पेशली डिश प्रिपेयर की जाती है और ये डेली चेंज होती रहती है। तो वो हो जाती है डू जॉर मेनू। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैंकेट मेनू। पार्टी फंक्शन के लिए मेनू डिसाइड किया जाता है। ये गेस्ट चॉइस प्लस सेफ चॉइस भी रहता है। कोर्स फर्स्ट में सूप, सेकंड में स्टार्टर, थर्ड में मेन काउंटर, फोर्थ में स्वीट डिजर्ट, डेजर्ट और फिफ्थ में बिस्किट, टी, कॉफ़ी आदि रहती है। यानी अलग अलग शिफ्ट होती है, उसमें वो डिसाइड होता है फूड का कि क्या क्या होगा। पहले में क्या है, फर्स्ट कोर्स में, सेकंड में क्या होगा। तो उस तरह से बैंकेट मेनू एक सिस्टमैटिक होता है। तो ये हमारा मेनू प्लानिंग यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फूड कॉस्ट एनालिसिस देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।